हेलो स्टूडेंट, दिस इज पार्ट थ्री वीडियो एक्सरसाइज 4.1 क्लास 8 मैथ। टुडे वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लिस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक देम परफेक्ट क्यूब। यानी यह दिखना है कि वो बताना है कि उसमें से लिस्ट वो कौन सी संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हम इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है निकालते हैं। फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट ऑल द क्वेश्चंस। आई हैव ऑलरेडी रिटेन क्वेश्चन 4। तो हमें यह देखना है कि क्यूब बनाने में किस संख्या की कमी आ रही है जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो लास्ट में 5 है, 5 से इसको काटना शुरू करते हैं। 5 5 5 1 7 15 17 हुआ। 5 3 15 5 5 25। अगेन 5 से देखते हैं, 5 2 10 3 5 35 हुआ। 5 7 35। अब देखते हैं 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो आप देखें कि ये जो है 3 का सेट तो है लेकिन 5 का सेट नहीं है, यानी ट्रिपल नहीं है। तो इसके मतलब यह है कि वी नीड 5 टू मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं वी नीड 5 टू मल्टीप्लाई टू मेक परफेक्ट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब ही तो पूछ रहा था ना, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। यानी इसमें एक और 5 अगर लग जाएगा तो ये हमारा ट्रिपल बन जाएगा। अब आते हैं इसको देख के, 7 लास्ट में है तो 3 से कट जाएगा, 3 1 3 जीरो उतार लिया यहाँ पर, 3 2 6 2 9 29 3 9 27। अगेन 3 से कटेगा, 3 3 9 1 2 12 3 4 12 3 3 9 3 4 3 आ गया। तो 3 4 3 यानी 7 से कटेगा, 7 4 28 6 बचा, 6 3 63 7 9 जा अगेन 7 7 जा अगेन 7 1 जा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 7 का तो ट्रिपल है लेकिन इसका 2 ही है, 3 3। यानी वी नीड 3 टू मल्टीप्लाई टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें इसमें किसकी ज़रूरत है, वो लिस्ट नंबर क्या है, 3 है, जिसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 5 3 2 4 का देखना है कि ये जो है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए लिस्ट नंबर कौन सा है जिससे मल्टीप्लाई किया जाए तो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन थर्ड, लास्ट में 4 है तो ये 2 से काटेंगे, 2 2 4 1 और 3 13 हुआ। ठीक है, तो 2 6 12 1 2 12 हुआ, फिर से 6 हुआ, 2 2 4 2 1 2 2 3 6 2 3 6 2 1 2। अब ये जो संख्या है 11 से कटेगा, 11 ये संख्या जो है 11 का क्यूब है। तो 11 1 11 2 बचा, 2 और 3 23 11 2 22 22 निकला, तो 1 बचा, 1 और 1 11 11 1 11 फिर 11 1 11। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 11 का क्यूब है लेकिन इसमें एक कमी है, यानी 2 × 2 × 11 × 11 × 11 इसका तो ट्रिपल बना है लेकिन इसमें एक 2 की और ज़रूरत है। ठीक है, एक और 2 चाहिए इसमें, तो वी नीड 2 मल्टीप्लाई टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। इसको देखते हैं, 2 4 8 1 7 17 हुआ, 2 8 16 1 2 12 हुआ, 2 6 12 2 2 4 2 4 8 2 3 6 2 4 3 आ गया। 3 सही, 2 से तो कटने वाला नहीं है, 3 सही कटेगा, 3 8 3 1 जा अगेन, 3 2 जा 2 1 21 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे इसका ट्रिपल बना हुआ है। अब यहाँ पर लिख कर बताते हैं, 2 × 2 3 × 3 × 3 नीचे रख दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 है ना, 2 3। अब देख रहे हैं इसका एक
टू हमको और चाहिए, इसका तो क्यूब बन गया, ठीक है, इसका जो है ट्रिपल बन गया, फिर इसमें भी एक और ज़रूरत है, यानी एक थ्री की ज़रूरत है, यानी थ्री टू या सिक्स, वी नीड सिक्स टू मल्टीप्लाई इन दिस नंबर टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव कर रहा है 968 का, तो 968 देखते हैं लास्ट में, एट है टू कट से कटेगा, टू फोर जा एट, 1616 हुआ, टू एट जा 16, टू फोर जा एट, अब ये कटेगा टू से अगेन, टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, टू से तो कटने वाला है नहीं, ये कटेगा अलेवन से, अलेवन वन जा अलेवन, वन बचा वन, वन अलेवन, अलेवन वन जा अलेवन। अब यहाँ पर हम देखते हैं टू इंटू टू इंटू टू इंटू अलेवन इंटू अलेवन, टू का ट्रिपल बन रहा है लेकिन अलेवन का एक कम है, यानी हमें अलेवन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेगा परफेक्ट क्यूब। ओके, दिस रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉच मोर वीडियो, यू गो टू माई यूट्यूब चैनल रंजीत सर एजू, दे आर इन प्लेलिस्ट, दे आर सो मेनी वीडियोज रिलेटेड टू क्लास एट मैथ, क्लास एट कंप्यूटर, क्लास सेवन कंप्यूटर, क्लास सिक्स कंप्यूटर, क्लास फिफ्थ कंप्यूटर, क्लास फोर मैथ एंड EVS। Watch more video, like, and if you not subscribe still, then subscribe please. Thank you.